श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद तीसरा अध्याय सातवां विदुर जी के प्रश्न। श्री शुकदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण हैं, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्मजनित कलेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है, आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कराते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर काटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इसकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंपन आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में ना होने पर भी भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव के देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेषादि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। विदुर जी ने कहा, भगवन, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वन, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेशादि की प्रतीति होती रहती है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। यह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संक्षापन लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा का प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं, उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है।
भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय, विषय और इंद्रिय अभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है, और उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। यह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मर्मंतर के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलोकों के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए, तथा यह भी बताइए कि त्रियक, मनुष्य, देवता, सरीसर्प और पक्षी तथा जरायुज, स्वदेज, अंडज और उद्विज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन, सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुषों से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं, वे सब हमें सुनाइए। ब्राह्मण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्यों का क्या धर्म होता है। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विजवर, दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान, उन मह आदि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है, तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्र आत्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। ब्राह्मण, माया के मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्य में मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवच के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण
स्कंद तीसरा अध्याय सातवां समाप्त।